अक्षय कुमार रजनीकांत स्टारर फिल्म 2.0 को रिलीज होने में महज कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच क्रेज बढ़ते ही जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे, जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो ट्रेलर देखने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट इस फिल्म के प्रति काफी हद तक बढ़ गई और फिल्म का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच फिल्म 2.0 को लेकर एक बड़ी ही जबरदस्त खबर सामने आई है। जी, आपको बताना चाहेंगे कि रिलीज से पहले फिल्म 2.0 के डिस्ट्रीब्यूटर राइट बिक चुके हैं। हिंदी में इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राइट रवीना टंडन के हस्बैंड अनिल ठडानी ने खरीदे हैं और इसकी कीमत मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है 80 करोड़ रुपए। जी, 80 करोड़ रुपए में फिल्म 2.0 के हिंदी राइट्स बिक चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे, फिल्म 2.0 भारतीय सिनेमा के जगत की सबसे महंगी और बिग बजट की फिल्म है और इस फिल्म में VFX का काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये फिल्म दुनिया की ऐसी 10 बड़ी फिल्मों में से शामिल हो गई है जिनका बजट इतना हाईफाई होता है। इसी के साथ ही ये फिल्म हॉलीवुड के लेवल की बनाई गई है और इस फिल्म के मेकर्स यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये फिल्म भारतीय लोगों को हॉलीवुड की फिल्म की याद दिला दे, क्योंकि ये फिल्म साइंस फिक्शन पर आधारित है और इस फिल्म में भरपूर एक्शन का डोज भी दिया गया है। वहीं पर अक्षय कुमार इस फिल्म में एक नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म लोगों को अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और फिल्म 2.0 को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए बताना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की बात करें तो साल 2018 उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अच्छा इसलिए नहीं रहा क्योंकि उनकी अभी हाल ही में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई थी, जिसे बुरी तरीके से फ्लॉप का दर्जा हासिल हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे, फिल्म ने पहले दिन धमाकेदार कलेक्शन किया था लेकिन दूसरे ही दिन ये फिल्म औंधे मुंह गिर गई। लेकिन इस वजह से आमिर खान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने पर एक बड़ा फैसला लेते हुए ये डिसाइड कर लिया है कि वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के प्रॉफिट में अपना हिस्सा नहीं लेंगे। जी हां, मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लॉस होने की वजह से आमिर खान ने ये बड़ा कदम उठाया है और वो अब फिल्म के प्रॉफिट में अपना हिस्सा नहीं लेंगे। वैसे देखा जाए, आमिर खान की फिल्में एक या दो साल बाद आती हैं और उन फिल्मों का लोग बड़ी बेसब्री से भी इंतजार करते हैं, क्योंकि आमिर खान की लगातार कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं। और ऐसे में ठग्स हिंदुस्तान का इतना बुरा रिस्पॉन्स देखने के बाद आमिर खान ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। वेल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से फिल्म ठग्स हिंदुस्तान आपको कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए बताना ना भूलें। साल 2018 में बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्में रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद दर्शकों ने उन्हें अपना प्यार भी दिया, लेकिन अंत में कहा जा सकता है कि साल 2018 सलमान और आमिर के लिए अच्छा नहीं रहा। सलमान की बात करें तो साल 2018 के शुरुआती महीनों में यानी ईद के मौके पर उनकी फिल्म रेस 3 रिलीज हुई थी। रेस 3 को लोगों ने बुरी तरीके से नकार दिया, लिहाजा फिल्म बुरी तरीके से क्रिटिसाइज हुई। ट्रेड पंडितों ने भी सलमान खान की इस फिल्म को अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, लिहाजा फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली। वही दूसरी ओर आमिर की बात करें तो दिवाली के एक दिन बाद यानी 8 नवंबर को फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की रिलीज हुई थी और इस फिल्म को भी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया और ट्रेंड पंडितों ने भी इसे अपना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लिहाजा इस फिल्म को भी लोगों ने बुरी तरीके से नकार दिया और इस फिल्म के कलेक्शन में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि सलमान और आमिर के लिए साल 2018 अच्छा नहीं रहा। वैसे देखा जाए, सलमान खान की फिल्म रेस 3 का बिग बजट था और इस फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर भी बनाया गया था। वही दूसरी ओर आमिर खान की भी फिल्म काफी बड़े पैमाने पर बनाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सलमान और आमिर की ये फिल्में दर्शकों को कुछ खास नहीं भा पाई। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा सवाल भी उभर कर सामने आता है, क्या सलमान और आमिर की ही तरह शाहरुख खान की भी फिल्म जीरो का ऐसा हाल होने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीरो फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को 21 दिसंबर को रिलीज किया जाना है और शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर रिलीज होने के महज 4 दिन के भीतर ही इस फिल्म के ट्रेलर को 100 मिलियन व्यू हासिल हो चुके थे और ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी डर भी सता रहा है क्योंकि सलमान खान की फिल्म रेस 3 को काफी बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। वहीं पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं और ऐसे में उनसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है तो शाहरुख खान की क्या फिल्म जीरो चल पाएगी, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताना ना भूलें। आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है और फिल्म को लोगों ने बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया। जी आपको बताना चाहेंगे, फिल्म ने पहले दिन 52 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई करके ये साफ साबित कर दिया कि आमिर खान ही बॉक्स ऑफिस के असली किंग है। लेकिन दूसरे दिन ही इस फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली और ये फिल्म औंधे मुंह गिर गई।
लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही अब आमिर खान ने अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के जरिए अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि गोल्ड का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 175 करोड़ रुपए था और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने अब तक 226 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो इस हिसाब से आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने अक्षय कुमार की गोल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बताना चाहेंगे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को वर्ल्ड वाइड 7000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। 5000 स्क्रीन्स पर इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया था और 1000 स्क्रीन्स पर इस फिल्म को हिंदी और तमिल में रिलीज किया गया था और बाकी विदेशों में इस फिल्म को स्क्रीन्स मिले थे। इतने बड़े पैमाने पर रिलीज करने के बाद इस फिल्म ने उस हिसाब का कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आमिर खान की ये फिल्म है, जाहिर सी बात है अपना फिल्म बजट निकालकर ऊपर की कमाई कर सकती है। वहीं पर खबरों का बाजार यहां तक गर्म है कि आमिर खान अब फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को चाइना में रिलीज करने की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है तो समय आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए बताना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की बात करें तो इन दिनों उनकी अपकमिंग फिल्म 2.0 को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है, लेकिन दोस्तों इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें अक्षय कुमार को मेकअप करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अक्षय कुमार ने अपने इस फिल्म 2.0 के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। घंटों तक उन्हें मेकअप करवाना पड़ता था, बाद में उसे उतरवाने के लिए भी काफी समय लगता था और इस वीडियो को देखकर साफ कहा जा सकता है कि अक्षय ने अपने इस लुक के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। फिल्म 2.0 में अक्षय एक नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं जो कि एक क्रो मैन का होगा। इस क्रो मैन को बखूबी पर्दे पर दिखाने के लिए मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसका बड़ा सबूत इस फिल्म से जुड़ा ये वीडियो दे रहा है। अक्षय कुमार हमेशा से फिल्मों में अपना बेस्ट देते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि अक्षय कुमार का ये लुक लोगों को कितना ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही उनका नेगेटिव किरदार भी लोग देखने के लिए बेसब्र चल रहे हैं और फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए बताना ना भूलें। दीपिका और रणबीर एक दूसरे के हो चुके हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 और 15 नवंबर को इटली में इन दोनों खूबसूरत जोड़े ने साथ फेरे ले लिए हैं। बॉलीवुड के दो सुपरस्टार विवाह के बंधन में बंध चुके हैं और दीपिका और रणबीर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपनी शादी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। लेकिन इसी बीच शादी में मौजूद उनके दोस्तों ने ग्रुप फोटो भी शेयर किया है, जहां दोनों दुल्हा दुल्हन बने बेहद शानदार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दीपिका रणबीर ने अपनी शादी में हिस्सा लेने वाले खास मेहमानों को तोहफे में दी है। इस तस्वीर में आप दीपिका और रणबीर के अलावा उनके साथ मौजूद कुछ खास लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने शादी में शिरकत की है। आपको बताना चाहेंगे कि 18 नवंबर को दीपिका रणबीर इटली से वापस आ जाएंगे, फिर 28 नवंबर को दीपिका रणबीर मुंबई में एक रिसेप्शन पार्टी देंगे जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटी अपनी शिरकत करते नजर आने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि उनकी अपकमिंग फिल्म सिम्बा का ट्रेलर 3 दिसंबर को रिलीज किया जाना है। इसी फिल्म के साथ सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान बॉलीवुड की फिल्म में डेब्यू करने जा रही है।